सो व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हाल है सभी का। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 3 ग्लिचेस के बारे में जो कि मिशन इग्निशन मोड के अंदर काम करते हैं। सो गाइस, इससे आप रैंक पुश भी कर सकते हो या काफ़ी सारे बंदों को किल्स भी कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए तो शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ग्लिच करने के लिए आपको सिंपली एक गाड़ी की नीड होने वाली है और गाड़ी को आपको सिंपली एयर कन्वीनियर के पास में लेके जाना है जो कि आपको हवा में लॉन्च करता है। इसके पास में ले जाने के बाद आपको सिंपली इसको ब्लास्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं गेट इन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ईजिली ब्लास्ट कर लेता हूँ। ब्लास्ट करने वाली यहाँ पर मेरा टीममेट ड्राइव करता है और जिस तरीके से मेरे यहाँ पर टीममेट यहाँ पर गाड़ी को लगा रहा है ना, आपको उस तरीके से लगाना है। तो यहाँ हम थोड़ा अच्छे से वो लगा लेते हैं, बीच में लगा लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर इसको आपको टच कराना है गाड़ी को। टच कराने के बाद जैसे ही रिन्यू होगा ना तो हमारे यहाँ पर ग्लिच हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आया तो देख सकते हो हम काफ़ी ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर। तो वैसे अगर कोई एनिमी आपको देखेगा ना, उसको गाड़ी में कोई भी बंदा नहीं दिखेगा और कोई बंदा इतने ऊपर आपको सोचेगा नहीं कि आप इतने ऊपर हो सकते हो। अगर आप मतलब कि नीचे से रेंज जोन हो, आप गाड़ी को बीच में पार्क कर दो और आप ऐसे करके ईजिली किसी भी बंदे को देख सकते हो यहाँ से। तो इसी ट्रिक भी मतलब काफ़ी अच्छी हो सकती है रैंक पुश के लिए भी और बंदे मारने के लिए भी। तो यहाँ पर एक गाड़ी जा रही थी तो हम ये सेम ग्लिच करके उस गाड़ी के पीछे जाते हैं। और मैं ऐसे स्नाइपर से ट्राई करता हूँ पहले, तो ये नॉक नहीं होता है तो हम यहाँ से एआर से इजीली इनको मार लेते हैं। तो अपने गन रीलोड पे चली गई तो हम इसको सिंपली इसको ओपन करके मार देते हैं यहाँ पर। सो गाइस, इस ग्लिच को यूज़ करके आप इजीली अपनी केडी को मेंटेन कर सकते हो या केडी को इजीली बढ़ा सकते हो। सो गाइस, चलते हैं ग्लिच नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, ग्लिच नंबर 2 के अंदर भी आपको एक गाड़ी की नीड होने वाली है। आपको गाड़ी को मतलब इस तरीके से पार्क करना, पार्क करने वाले आपको सिंपली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाना है। गाड़ी के चढ़ने वाले यहाँ पर सिंपली जंप का बटन दबा के यहाँ पर अंदर की साइड आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस करने के अंदर की साइड आ जाना है। अंदर आने के बाद में देख सकते हो गाइस, यहाँ से आप बाहर की साइड भी इजिली फायरिंग कर सकते हो। अगर कोई बंदा अगर बाहर की साइड होता है ना तो आप इजिली उसको मार सकते हो। अगर आप जल्दी उतर जाते हो लीवर वगैरह खींच के, मतलब बंदों को आप यहाँ पर कैंप कर सकते हो, बोट फायरिंग करके बुला सकते हो काफ़ी बंदों को। तो गाइस, यहाँ से आप इजीली थ्रो भी कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग वगैरह भी देनी है टीममेट को तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस, आपको इससे मतलब बाहर आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आना है, यहाँ पर जंप का बटन दबा के ऊपर से चढ़ जाना है। चलने के बाद यहाँ पर क्राउच करके सिंपली यहाँ पर आके जंप दबा के बाहर साइड आ जाना है। गाइस, चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, ट्रिक नंबर 3 के अंदर या आप इसको ग्लिच बोल लो, तो इसके अंदर आपको एक बग्गी की नीड होने वाली है। तो आपको बग्गी को जिस जगह पे मैं लेके जा रहा हूँ ना, आपको बग्गी को सिंपली उस जगह पे लेके जाना है। तो यहाँ पर हम सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको और ऊपर की साइड आ जाना है। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर की साइड आ जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिफ्ट के पास जाना है। लिफ्ट के पास जाने के बाद में जिस तरीके से मैं यहाँ पर बग्गी को लगाऊंगा ना, आपको बिल्कुल उस तरीके से लगाना है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बग्गी को यहाँ पर लगा देना है। लगाने वाले यहाँ पर एग्जिट करना है और लिफ्ट के अंदर चले जाना है। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको लिफ्ट का ऊपर आने का वेट करना है। तो यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ड्राइव का बटन दबाना है। ड्राइव का दबाने के बाद आपको बार बार यहाँ पर सीट चेंज करनी है। तो आपको ये कम से कम 10 से 15 बार करना है तो आपका ये ग्लिच वर्क करेगा। तो यहाँ पर पता नहीं मैं कितनी बार करता हूँ। तो यहाँ पर हम काफ़ी बार सीट चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बग्गी को पीछे ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको बग्गी को नीचे की साइड लेके जाना है। जिस जगह पर मैं लेके जाऊँगा ना, आपको सिंपली उस जगह पर ले जाना है। तो यहाँ पर हम बग्गी को उतार लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल धीरे से उतार रहा हूँ ताकि बग्गी कहीं पे फंस ना जाए। तो यहाँ पर नीचे खेल आपको फिर से लिफ्ट के पास लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको लिफ्ट का नीचे आने का वेट करना है। तो अभी तो लिफ्ट ऊपर है, तो यहाँ पर लिफ्ट नीचे आ रही है। तो यहाँ पर लिफ्ट को अंदर बग्गी को डालना है और आपको सिंपली एग्जिट दबा देना है। तो एग्जिट दबाने के बाद बूम गाइस, आप पानी के अंदर आ चुके हो। सो गाइस, ये चीज़ आपकी रैंक पुश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आप फाइट लेन से डर रहे हो तो आप ये वाला ग्लिच करके इजीली जोन के अंदर जा सकते हो। और मतलब कि आप #1 तो नहीं, लेकिन #2 तो इजीली आ सकते हो इससे, क्योंकि लास्ट मतलब कि लास्ट में सारे बंदों की फ़ाइट हो जाएगी और लास्ट वाला बंदा आपसे सिर्फ हिल फाइट करके ही जीत सकता है, क्योंकि वो आपसे फ़ाइट तो ले नहीं सकता। अगर हैकर नहीं होगा तो वो हैक करके मार सकता है, तो अलग बात है वो। और इस जगह पर आने के बाद आप एनिमी की लोकेशन भी अपने टीममेट को इजीली बता सकते हो, क्योंकि आप पानी के अंदर रहोगे, आप उसको मतलब सिंपली डायरेक्शन दो कि उस साइड बंदा है, क्योंकि आपको बंदा यहाँ पर काफ़ी इजीली दिखेगा। सो गाइस, आपके मन में सवाल होगा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें ट्राई करता हूँ।
तो पहले तो हम मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि यहाँ पर व्हीकल लेके आ जा, क्या पता शायद मैं व्हीकल से गेट इन करके यहाँ से निकल जाऊँ। तो मेरा टीममेट यहाँ पर व्हीकल लेके आता है, तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि गेट इन का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पर गेट इन या कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है। सो गाइस अभी तो मेरे को सिर्फ दो तरीके बताए यहाँ से बाहर निकलने के, या तो आप मतलब कि मैप में देख सकते हो किस जगह पे मतलब पानी है, तो आप पानी वाले लोकेशन में जाके सिंपली पानी से बाहर की साइड निकल सकते हो, या फिर आप मतलब कि इस टाइप के घर देखोगे जो मतलब नीचे से काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे कि मतलब कि आप मतलब जिस हाइट पे तैर रहे हो उससे भी नीचे की साइड अगर घर जा रहा हो तो आपको सिंपली उस घरों की सीढ़ियों पर आ जाना है। तो इस तरह के आप सीढ़ियों पर आके मतलब यहाँ पर आके हिल भी कर सकते हो, बट आप यहाँ से भारी चार फायरिंग नहीं कर सकते। अगर आपको भारी चार कुछ फेंकना हो तो आप यहाँ से नेड मोली कुछ भी भारी चार फेंक सकते हो। अगर आपको टीममेट को हीलिंग चाहिए तो आप हीलिंग भी भारी चार फेंक सकते हो। सो कैसे अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिख रही होगी ना, आपको यहाँ से सीढ़िया से मतलब कि ऊपर की साइड चले जाना है, तो हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर की साइड चले जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम कितने इजी वे में भारत साइड आ चुके हैं। सो गाइस आज की वीडियो बची है, तो कितनी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसे में रोज़ रोज़ नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।